गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मीनाक्षी तोमर व्लॉग्स। एंड उठ चुके हैं सुबह सुबह, फ्रेश मॉर्निंग में लाइन फोर पे आ गई है लिफ्ट, चलिए पहुंचते हैं जिम। और आज पता है सुबह मेरी ना 5 बजे से आँख खुली हुई है अपने आप ऑटोमेटिकली। और लेकिन ये था कि बेड नहीं छोड़ने का मन करा था, मैं वेट कर रही थी कि राधे की कॉल आएगी आएगी आएगी, उसकी फिर एकदम से कॉल आ गई, फिर मैं उठ गई। तो मतलब माइंड तो मुझे आता है, बॉडी को उठाना पड़ता है। तो चलिए पहुँचते हैं जिम करते हैं आज का वर्कआउट। आज कंप्लीट टोटल कार्डियो हम लोग करने वाले हैं, टोटल कार्डियो एक्सरसाइज है आज, क्योंकि एक दिन वेट ट्रेनिंग को गैप देके बॉडी कार्डियो करेंगे, कंप्लीट बॉडी कार्डियो। मौसम जी क्या कह रही है? अरे वाह, बढ़िया मौसम है, मौसम तो बढ़िया ही कह रहा है। ठंड आ जाए जल्दी से, विंटर्स का वेट हो रहा है बेसब्री से, क्योंकि विंटर्स में थोड़ा अच्छा अच्छा वाला फील आती है। तो चलो पहुंचते हैं जिम, बाय। जय हो भगवान जी। ये मंदिर पर बड़ी सुंदर लगती है, कलरफुल लाइट्स देख रहे हो आप, चेंज हो रही है। वो आज क्या गाने डिचक डिचक लगा रखे हैं, कौन सा तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, एक घंटे से बुला रही है। बहरी है आते हैं, आ रहे हैं, इनको पहुंचते हैं घर। गुड मॉर्निंग आरु, आशी, गुड मॉर्निंग बेटा, उठ जाओ ना, लेट हो जाओगे बेटा, कल भी ऐसे जल्दी जल्दी भाग के बस पकड़ी थी ना, उठ जाओ। रात को खांसी तो नहीं आई? नहीं। कितने बजे उठाऊं अभी, देखो क्या टाइम हो गया है। तो मिनट और, बस 2 मिनट, ठीक है, हो गई 2 मिनट। अभी नहीं हुई। हो गई, झूठ बोल रहे हो आप। अच्छा ठीक है, अब हो गई 2 मिनट। झूठ बोल रहे हो आप। अच्छा ठीक है, उठ जाओ। चलिए गए, जिसकी 2 मिनट जैसे पूरी हो जाती है फिर मैं इसको उठाती हूँ और बनाते हैं आशी के लिए कुछ खाने में। A few moments later, आर्यन उठ गया था, उठ के फिर बैठ गया, तो थोड़ी देर बैठ के ही सोता रहा, आराम से बैठे बैठे नींद ले रहा था। तो बच्चे क्या करे, सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो मैंने कहा आप देख के आते हैं, चलो उठे हैं कि नहीं उठे। तो मैं आर्यन के पास गई, देखा तो आर्यन बैठा बैठा सच में ही सो रहा था। अब 5 मिनट ऐसे बैठोगे? उठो, लेट हो रहा है बेटो, चलो ब्रश करो, मैं दूध कर रही हूँ। सुबह सुबह बच्चों को उठाना भी बड़ा टास्क है।
बेचारे इतनी प्यारी प्यारी निन्नी में सो रहे होते हैं, फिर हमें मम्मियों को एकदम जालिम बन के बच्चों को उठाना पड़ता है, लेकिन क्या करें, स्कूल जाना भी जरूरी है। रात को क्या, बच्चे जल्दी सोते नहीं है, रात को जल्दी सो जाए तो सुबह थोड़ा नींद पूरी हो जाए। रोज डेली 11 बजा लेता है, कभी कुछ काम, कुछ रूटीन इस तरीके के हो गए, होमवर्क फिर पढ़ाई। तो चलिए एनीवेज बनाते हैं आर्यन के लिए। आज सोच रही हूँ बनाती हूँ पनीर के पराठे। ये वैसे तो पनीर खाता नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, आटे में ही पनीर को मिक्स करके बढ़िया सा डो बना देती हूँ, फिर उससे पराठे। उसको पता ही नहीं चलेगा पनीर डाला है, मम्मी की ट्रिक। चलो करते हैं शुरू। तो चलिए शुरू करते हैं। आ गए हैं अपनी प्यारी सी किचन में, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बना लेते हैं अपने पनीर के पराठे। और पराठे बनाने के लिए जो हमको इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आटा चाहिए हमको, आटे के साथ में पनीर चाहिए ग्रेट करने के लिए। तो हम आटे के अंदर ही पनीर को ग्रेट कर लेंगे, फिर उसके अंदर हम कसूरी मेथी डालेंगे, उसके अंदर नमक जाएगा, थोड़ी सी अजवाइन जाएगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसके अंदर जाएगी हींग। हींग बहुत अच्छी रहती है और स्टमक के लिए भी हींग बहुत अच्छी होती है। तो अब उसको पानी से धीरे धीरे पूरा मिक्स करने के साथ उसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे और उसको डो बना लेंगे। कोशिश करें कि आप इसके अंदर अगर एक चम्मच घी भी डालें तो उससे भी आपके पराठे बहुत सॉफ्ट बनेंगे। ये हमारा डो बन के रेडी है, इसको कवर करके रख दिया है। और अब मैं कर रही हूँ अपना एप्पल इन्जॉय काम करते करते। फिर बना लेते हैं गर्मा गर्म पराठे। देसी घी में मैंने गर्मा गर्म पराठे बनाए आर्यन के लिए, और उसका टिफ़िन पैक किया केचप के साथ में। तो पराठे केचप के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, तो कर लेते हैं चलिए अपने टिफ़िन को पैक। पराठे गर्मा गर्म बन गए। आर्यन दो पराठे लेके जाता है डेली अपने टिफ़िन में। तो केचप डाला और उसके साथ में पराठे गर्म करके, सॉरी पैक करके उसके लिए रख दिए हैं। मैं फॉइल की जगह टिश्यू पेपर लेती हूँ जिसके अंदर रैप करती हूँ। तो उसका बैग वैग पैक कर देते हैं, टिफ़िन रख देते हैं। आर्यन रेडी हो रहा है, तो उसका ये सुबह का जल्दी वाला काम टिफ़िन रेडी करके ये सब मैं इसमें हेल्प कर देती हूँ उसकी, ताकि वो टाइम से रेडी हो जाए। और फिर उसके बालों में तेल लगाना, जो भी वो छोटा मोटा काम रहता है वो उसके साथ साथ मैं करती रहती हूँ। तो उसको फटाफट से रेडी करके चलिए भेज देते हैं स्कूल। और आर्यन को भी मैं कोई ना कोई फ्रूट डेली देती हूँ, तो मैंने उसका फ्रूट मैं उसके बैग में डाल दी। तो मुझे दिखाई दिया कि कल के जो दोनों एप्पल्स थे वो खाए ही नहीं थे। तो मैंने बोला भाई ये एप्पल्स वगैरह तो खाने चाहिए थे, लेकिन वो क्लब्स और स्पोर्ट्स के चक्कर में उसने ये सारी चीज़ें नहीं खाई। तो आज फिर मैंने रिप्लेस करके ऑरेंज रख दिए। और सो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं कि खाना बचा के ले आते हैं या फ्रूट्स बचा के ले आते हैं। तो अगर आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं तो ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा। खांसी मारेगी भाई, परहेज नहीं करोगे तो। तुमको बोलते हैं ठंडा पानी मत पियो खेलते टाइम, फिर भी पीते हो। आ गई, इधर वाली जाओ। चलो भाई, और थोड़ा फास्ट जाना भाई, फास्ट जाना। तो चलिए हम भी करते हैं अपने काम की शुरुआत। आर्यन कर रहा है अपने दिन की शुरुआत। पहुँचते हैं, बनाते हैं अपना ब्रेकफास्ट और करते हैं दिन की शुरुआत। और अपनी बालकनी से मैं आर्यन को देखती रहती हूँ। तो ये जो सामने गेट है, मेन गेट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ये जो मेन गेट है, यहाँ बस आती है। तो यहाँ से मुझे दिख जाता है कि आर्यन पहुँचा कि नहीं। तो जैसे ही वो बस से में चढ़ जाता है, फिर जैसे स्कूल बस वो जा रही है ना, ऐसे ही इसकी स्कूल बस आती है। तो
तो मुझे ये पता चल जाता है कि आर्यन बस में चढ़ चुका है, तो फिर मैं रिलैक्स हो जाती हूँ अपना कि आज का टास्क ओवर है ना, ये पार्क फेसिंग घर का फायदा। सो आर्यन चला गया स्कूल, उसको स्कूल भेजने के बाद मैंने अपने लिए बनाया ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में सेम कॉर्नफ्लेक्स विथ टोन्ड मिल्क, और ऐसे ही बैठे बैठे दिमाग में आ रहा था कि ऐसे शांति से बैठ के कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, अपना फ़ोन ना कुछ, अपना ना म्यूज़िक कुछ भी नहीं, और बैठ के आराम से अपना ब्रेकफास्ट इन्जॉय करना, बाहर देखना, एनवायरनमेंट को इन्जॉय करना, बड़ा अच्छा, मतलब बड़ा सुकून सा मिलता है। ज़रूरी नहीं है अकेले बैठे हैं तो बोर हो रहे हैं, इसमें भी एक अलग शांति सी होती है। मुझे अकेले रहना कभी कभी ना ये इस तरीके का पीस बड़ा पसंद है, पर जस्ट कुछ सोचना नहीं, कोई माइंड में थॉट नहीं है, कुछ भी नहीं चल रहा है, सिंपली इंजॉइंग माई ब्रेकफास्ट, बाहर देखना, लोगों को देखना, पार्क में देखना बच्चे, तो ये एक अलग तरीके का ना एक एनवायरनमेंट को इंजॉय करके बहुत अच्छा लगता है। आप भी करके देखना अगर कभी आपको टाइम मिलता है, फ़ोन गैजेट कुछ नहीं यूज़ करना है। मान के चलिए आपको ब्रेकफास्ट करने में आधा घंटा लगेगा या 15 मिनट लगेगी या 20 मिनट लगेगी, तो वो टाइम खाली सिर्फ इंजॉय करो, बैठ के ब्रेकफास्ट को खाओ, मत टीवी देखो। अगर आपके पास ओपन स्पेस है तो वहाँ बैठ के जो ये साउंड्स हैं, कभी चिड़िया की साउंड आएगी, बहुत सारी साउंड्स आती है, सबको बैठ के इंजॉय करो, और ये हेल्दी माइंड के लिए बहुत अच्छा है। हम लोग पूरा दिन टेक्नोलॉजी में रहते हैं, तो थोड़ा उससे गैप मिलता है, थोड़ा स्पेस मिलता है, तो एंजॉय योर मी टाइम। चलिए हम कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। आ चुके हैं, अरे भाई बार बार घंटी मत बजाओ, खराब हो जाएगी आशी। पहले आज ये बताओ टेस्ट के मार्क्स मिले कि नहीं? नहीं यार, तुम्हें तुम्हारी टीचर मार्क्स दिखाई नहीं रही है, ये क्या चक्कर है? पीटीएम में पता चलेंगे, ये क्या होता है? पीटीएम में पता चलेंगे क्या होता है? इधर सुनो, पीटीएम में सारे मार्क्स पता चलेंगे। तो पहले शीट्स वगैरह कुछ कॉपी कुछ तो दिखानी चाहिए, हमें तो पता चले कितने मार्क्स आए हैं। आपको पीटीएम में पता चलता है। लंच वगैरह फिनिश? आज बताओ, एकेडमी है। आज बताओ क्या लंच दिया था मैंने आपको? आज आपने दिए थे आलू के पराठे। गलत। आज मैंने आपके साथ में एक ट्रिक खेली, दिए थे पनीर के पराठे और आपको पता भी नहीं चला। आज मैंने पनीर के पराठे दिए थे और आपको पता भी नहीं चला। इसका मतलब आपको पनीर पसंद है, जा खा सकते हो पनीर। पर मैंने वो बहुत ज़्यादा भी नहीं खाए, मतलब ऐसे खाए लिए थे, मतलब आधा से थोड़ा सा बचाया था। अभी बचा हुआ है कुछ? बचा, पिटाई होगी अब तुम्हारी, लंच बचा के लाए होंगे। पनीर तो मेरे को पसंद ही नहीं है, उसमें दिखे नहीं रहा पनीर है। पता है, चलो फटाफट चेंज कर लो। अब लंच में क्या खाना है? खिचड़ी बना रही हो? मैगी। मम जी मैगी बहुत दिनों से नहीं खाई है, प्लीज मैगी नहीं बनेगी। नहीं मैगी 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 बनेगी, मैगी बनेगी, मैगी बनेगी, मैगी बनेगी। नो मैगी, ओनली मैगी ही बनेगी, प्लीज मैगी नहीं बनेगी, खिचड़ी बनेगी। मैगी बना दो। कोल्ड हो रहा है ना? प्लीज मम्मी जी, भाई इतने मैगी के दीवाने हो रहे हैं बच्चे। ये हमारी क्यूट सी फैमिली की फोटो, मम्मी जी ये छोटू सा आर्यन अच्छा था, और अब देखो। अरे मैगी बना दीजिए ना, पहले भी ऐसे ही था। बाय। हाँ सो गाइस, शाम के टाइम सारे बच्चे पार्क में रहे हैं। अरे अपने आप ले आएगा तुझे? एक काम कर, मैं ही लेके आऊंगी, मुझे बताना। तो मैं साथ ले चलूंगी तुझे, ठीक है? अभी चेंज वेंज कर ले साथ साथ, मैं अभी ऐसे ही अभी ले चलूंगी ना, दिलवा लाऊंगी, कपड़े वपड़े चेंज कर ले। अरे भाई मैं बोल रही हूँ ना, तेरे को दिलवा दूंगी, अभी जाएंगे खाना वाना खा के चलेंगे। चलो खाना भी बनाऊंगी, दाल।
चलो आशी डिनर इज रेडी, बिछा लो बेड पे। 2 मिनट रुको, नहीं फटाफट कर लो, मुझे बहुत ही भूख लग रही है। फटाफट मैं लेके आ रही हूँ, फिर गर्म है ना खाना। चलो फटाफट, चलो कर लेते हैं डिनर, बहुत तेज भूख लग रही है। इसको भी ब्लैंकेट को पीछे रख, तकिए को पीछे करके अच्छे से ये बिछा लो, लेके आती हूँ। लेके आते हैं, चलो गैस कर लेते हैं गर्मा गर्म डिनर। आज डिनर में मैंने बनाई है दाल, तो ये है दाल। दाल के अंदर मैंने डाला, ऐड किया है प्रोटीन, तो मैं खाली दाल, ये पनीर और दाल खाने वाली हूँ। ये ग्रीन वाली दाल है और आर्यन खाली, आर्यन के घी डाल के अच्छे से आर्यन दाल और उसके साथ में रोटी खाई हूँ। तो चलिए कर लेते हैं डिनर, लेके चलते हैं अपनी प्लेट्स को। ये बहुत गर्म थी इसीलिए मैंने इसके अंदर डाल दिया इसको स्पून। श्योर, मैं भी अपना इसी प्लेट में रख लेती हूँ। लेट्स गो, यम्मी गरम गरम दाल, मज़ा ही आ जाएगा। हाँ जी सर, ये जो पनीर है ये वाला आपके दाल है, पनीर वाली दाल? क्यों दाल के अंदर पनीर को डालता है? मम्मा डालती है। कुछ नहीं खराब। हाँ ये तो खाना पड़ेगा। मम्मी ये क्या बात हुई, इसमें पनीर? गाइस देखिए चिड़िया, बिल्कुल पनीर नहीं खाता है। अरे वो मेरी दाल वाली के अंदर है। पनीर कौन डालता है? अरे किस लिए रो रहा है भाई, रोस्ट कर रही थी तुझे मैं। ये मेरी है भाई, ये मेरी है, ये मेरी है पनीर वाली, ये तुम्हारी है। देखो क्राई बेबी। रोस्ट हो गया क्राई बेबी। तो चलो कर लेते हैं डिनर अपना। और अच्छा आप बताओ, तुम वो क्या बात बताती थी, पहले बात कर लेते हैं ना वो बात अपना पूरी। और डिनर टाइम पे आर्यन से थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। मैं खाना बना रही थी, आर्यन को मुझे कुछ बताना था, तो आप सुनते हैं आर्यन को क्या बताना था। हाँ जी बेटा बताओ। वो मेरी पुरानी वाली एकेडमी थी ना, नॉन डायनामो फुटबॉल एकेडमी, उनके साथ हमारा मैच है। उनके साथ मैच है कब? वो संडे को। संडे को, अच्छा तो वो तो जीतना पड़ेगा। सही है, तो अच्छा है। और कोल्ड वगैरह कैसा है, कफ कैसा है? दाल गर्म है, इसमें तो बड़े बर्तन में लाई हूँ मैं, लेकिन दाल बहुत यम्मी बनी है। और उसमें घी डाल दो ना गरम गरम दाल में, तो मज़ा आ जाता है। डाली है आपने? डाला है मेरे बेटे। मैं देख रहा हूँ ठीक है। सो आर्यन को कुछ सामान खरीदना था अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए स्टेशनरी से, तो लेने आए सामान। शाम पूरी मार्केट एकदम क्राउडेड रहती है। क्या? और वो जो छोटे वाले आते हैं, छोटे वाले आते हैं। कौन से पेन है वो जो चाहिए? मेरे ब्रश पेंस किधर हैं? एंटी ब्रश पेंस किधर रखे हुए हैं? ब्रश पेन से काम क्या करते हैं? ब्रश पेन से चार्ट पेपर पर काम करते हैं। चार्ट पेपर पे काम करने के लिए अलग से ब्रश पेन आते हैं, तुझे पता क्या आते हैं? ये वाला कितने रुपए का है? दिखा नहीं, क्या काम आते हैं, करना क्या है? जो उनके लिए काम आते हैं, जो चार्ट पेपर पर बनाते हैं। तो ये ठीक है, अभी काम चल जाएगा इससे क्या? क्या आगे? पहले हम लोग तो चार्ट पेपर वगैरह स्केच पेन से बना लिया करते थे, अब ब्रश पेन क्या क्या आ गया है। तुमने तो बहुत राशन ले लिया। होंगे ना 9 दिन के, चीनी तो चाहिए ही होती है। पूरे 9 दिन के व्रत के हैं, मुझे भी डस्टबिन को लेना है, डस्ट कलेक्टर। क्या प्रोजेक्ट चल रहा है तेरा? एक बार कौशल को फोन कर लियो जरा, बोल दे मैं आ रही है। आने
ये देखो दूसरे की दुकान पे तुम बैठी हुई हो, मालकिन यहाँ घूम रही है, दोस्त की मदद गले पे बैठ के। अच्छा सब ऐसे कह रहे हैं, क्या कह के गए? अच्छा मालकिन जैसी लगती नहीं है, जैसी मालकिन जैसी लगती नहीं है। अच्छा कितने रुपए पे रखी हुई है तुमने कौशल? 10,000 रुपये महीना। कौशल 10,000 रुपये महीने पे हो तुम? 10,000 रुपये महीने ज्यादा है। मैडम जरा क्रोसिन निकाल के दीजिए ना मालकिन साहब। वो एक्सपर्ट हो गई है भाई, 4 दिन बैठ के दुकान पे। अभी पैसा पैसा 120 दे रहे थे किसी को, 280 रुपए काट लेते थे, 220 रुपए दे दे वापस। और शर्मा जी बोले भैया 100 रुपए का नुकसान करा दिया। तुम भी तो पैसा बचा रहे हो शर्मा जी, अब पूछो कैसे बचा रहे हो। पूछो या तो मुझे तुमने अपनी बीवी ट्रेन कर दी है, जहाँ लड़के का खर्चा होता है वो तुमने बचा के अपनी बीवी को ट्रेन कर दिया है। हाँ है तो ये पैसा बचाना ही तो होता है। और कुछ पड़ोसन से 100 रुपए तेरा नुकसान हो रहा था, मैंने बचाया, बचा दिया। तेरा चालू है यूट्यूब? हाँ चालू है रे यूट्यूब। मरे जा रही थी तू खुदा खुदा के नाच कि भैया का अच्छा सिस्टम है गार्बेज के लिए। तो चलिए पढ़ लेते हैं आज के 5 पेजेस। तो आज 5 पेजेस में पढ़ा कि हाउ वी कैन डेवलप ग्रेट सेल्फ मास्टरी। सो हम कैसे सेल्फ मास्टरी पे डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर, उसके लिए कुछ चीज़ें हैं। फर्स्ट है एक्टिवली कंट्रोलिंग अवर एक्सपोजर टू डिसिप्लिन डिस्ट्रॉइंग आस्पेक्ट्स ऑफ अवर कल्चर, चूजिंग मॉडेस्ट रियलिस्टिक एंड अचीवेबल गोल्स, मेकिंग स्मार्ट चॉइसेस टू मैनेज अनप्रिडिक्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड and taking rational steps to control what you can, setting up your own goals so you can decide when and how frequently you experience the reaffirming reward, building your self-confidence so that you can trust in your own ability to improve and be better, either if it takes time and effort. Last one is making sure that you are as calm, contented, healthy and balanced within yourself so that you are never relying on the satisfaction of impulses as your sole source of well-being. So, यहाँ पे मैंने फोटो भी लगा दिया है, आप लोग इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, आप सेल्फ मास्टरी मतलब खुद पे कंट्रोल कर सकते हैं। अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ चार्ट पेपर, हुआ कितना टाइम लगेगा? नींद आ रही है भाई। सो आर्यन का तो काम में अभी टाइम लगने वाला है, आर्यन अपना चार्ट पेपर फिनिश करके सोएगा। तो हम कर चुके हैं सारी चीज़ें कंप्लीट, जैसे कि आपने देखा बुक रीडिंग हो गई और एवरीथिंग इज डन। तो आज के दिन को देते हैं यहीं पे विराम। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। सो गाइज हमारे चैनल को लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर सच मोर वीडियोज। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे कल सुबह की मॉर्निंग के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। बाय बाय गाइज।